वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है, जन आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट है और ये प्रोसेस है वो छुट्टियों से पहले मई जून में भी शुरू था और कई लोगों ने विभिन्न स्टूडेंट के जो जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया में अपडेट के लिए जो TRN नंबर है वो जारी करवाए थे। अब जैसे अब क्या क्या आपको करना है, TRN नंबर जारी हो चुके हैं तो आपको क्या करना है और जिनके जारी नहीं हुए उनको क्या करना है, तो एक मैं अब बताता हूँ। तो जैसे आप सबसे पहले स्टाफ लॉगिन, किसी भी क्लास टीचर की स्टाफ लॉगिन में एंटर करेंगे या लॉगिन करेंगे, उसके बाद में यहाँ से जैसे ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट जन आधार आप जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जन आधार की ये लिस्ट दी जाएगी, इसमें आपको क्लास वाइज सेलेक्ट करना है और गेट डाटा क्लास वाइज आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लास का नाम और उसमें कितने स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट है, कितने आधार एंट्री कितनों की हुई है, जन आधार ऑथेंटिकेट कितने हुए और जन आधार एंटर कितने हैं और जन आधार ऑथेंटिकेटेड कितने और कितने रिमेनिंग है, ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब जैसे आपको क्लास पे जो ये ब्लू कलर में इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको पूरी लिस्ट आपकी यहाँ शो हो जाएगी, स्टूडेंट का इसमें नाम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जन आधार नंबर आ जाएंगे, कार्ड नंबर, जन आधार मेंबर आईडी आ जाएगी और आधार नंबर। इसके अलावा यहाँ नीचे आगे आपको एक्शन जो भी बटन यहाँ दिया हुआ है इसके नीचे कुछ के आगे लाल कलर में यहाँ कुछ संख्या दी हुई है, जैसे 21071 और डेट 14/5/2022, यानी स्टूडेंट के 14 मई कोई TRN नंबर जारी कर दिए थे आधार ऑथेंटिकेट की प्रक्रिया के लिए। और इसमें आगे आ रहा है कि अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल। अब जैसे यहाँ इसके अगर ऑथेंटिकेट करेंगे तो यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे ऑथेंटिकेट जन आधार पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल है, जन आधार कार्ड में दिए गए नाम जेंडर वगैरह वो मैच नहीं हो रहे हैं तो ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा और इसका TRN नंबर जारी हो चुका है। अब जैसे यहाँ एक और आगे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये इस तरह का जो पेज खुलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक साइड में तो स्टूडेंट का नाम है जो विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर है, अब एक नाम जो जन आधार पोर्टल पर जो वर्तमान डाटा है उसमें जैसे इसमें और इसमें नाम की स्पेलिंग में काफ़ी फर्क है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ तो दोनों की सेम है, सेम नहीं है, इसमें 2012 डेट ऑफ बर्थ है और इसमें 2010 है, आधार नंबर इसमें फीड किया हुआ है और मदर के नाम में भी इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, तो अब ये इसीलिए ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है। तो अभी आपको जैसे यहाँ जैसे अगर लाल कलर में आपके TRN नंबर दिया हुआ है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसमें लिखा हुआ है कि आपके द्वारा दी गई विद्यार्थी की सूचना जन आधार सर्विस द्वारा सफलतापूर्वक जन आधार पोर्टल पर अद्यतन कर दी गई है जिसका TRN नंबर ये है। अब इसको ऑथेंटिकेट करने की जो प्रक्रिया है वो अभी जैसे आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके TRN नंबर जारी नहीं हुए हैं तो आप TRN नंबर कैसे जारी करें, कुछ मैंने उसके संबंध में पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए, मई जून में वीडियो बनाए थे जिसमें TRN नंबर कैसे जारी करते हैं वो बताया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट के यहाँ ग्रीन कलर में ये जो आधार कार्ड ये ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका आधार तो ऑथेंटिकेट है लेकिन जन आधार नहीं है। अब इसके TRN नंबर कैसे जारी करना है, तो जिसके आगे यहाँ इस तरह का कोई भी नाम या नंबर लगे हुए नहीं है लाल कलर में, उसको आपको यहाँ जैसे अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ जो सूचना दिखेगी कि यहाँ जन आधार पोर्टल का जो डाटा है वो अभी ब्लैंक दिखेगा, यहाँ विद्यार्थी का जो शाला दर्पण पोर्टल का डाटा है नाम वगैरह ये इसमें शो हो जाएगा और यहाँ आपको TRN नंबर जारी करना है तो यहाँ दो बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी है, यहाँ आपको रिकन्फर्म करना है जन आधार नंबर और जन आधार मेंबर आईडी जो स्टूडेंट से जन आधार मंगवा करके, और इसमें फीडिंग करने के बाद में यहाँ चेकबॉक्स है इसको आपको यस करके फिर अपडेट डाटा पर क्लिक करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें जन आधार आईडी और मेंबर आईडी पर आपको फीड करके फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था आपको यहाँ रिकन्फर्म जन आधार नंबर, तो यहाँ से जन आधार जो भी है वो यहाँ आपको रिकन्फर्म करना है और मेंबर आईडी जन आधार मेंबर आईडी भी कन्फर्म करनी है। यहाँ चेकबॉक्स पे आपको अगर वो राइट कनेक्शन आ रहा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आपको राइट कनेक्शन सेलेक्ट करना है और अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ इसमें लिखा है कि जन आधार या मेंबर आईडी नंबर इनवैलिड है, कृपया पुनः नंबर जांच ले, तो इसका मतलब इसके जन आधार को इनवैलिड है तो आपको ये एक बार जांच करके फिर आपको इसको प्रोसेस करना है। तो ये वैसे नहीं होगा तो मैं अब दूसरे स्टूडेंट का आपको करके बताता हूँ। अब जैसे एक और स्टूडेंट है, जैसे ये है यहाँ इसके जन आधार पोर्टल अपडेट पाया है तो यहाँ इसके आगे इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ भी इसी तरह के जन आधार को आपको रिकन्फर्म करके यहाँ आगे का प्रोसेस करना है, तो रिकन्फर्म करके फिर आपको बताता हूँ। अब जैसे इसके जन आधार और आधार के जो भी डाटा है, जैसे विद्यालय का डाटा है वर्तमान में तो इसमें इसका नाम है और जन आधार पोर्टल पर इसके नाम में बिल्कुल अलग ही नाम है और फीमेल डेट ऑफ बर्थ भी अलग है और ये आधार नंबर इसमें सेम है और माता का नाम भी सेम है। अब जैसे इसमें
जन आधार कन्फर्म करके, जन आधार मेंबर आईडी है वो भी कन्फर्म करके अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा कि विद्यार्थी सूचना जन आधार पोर्टल अपडेट कर दी गई है, कृपया TRN संख्या जो भी दी हुई है वो नोट करें और कल वापस ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करें। तो ये इस तरीके से आपको TRN नंबर जनरेट करने हैं। अब जैसे ये इस स्टूडेंट के TRN नंबर है वो जनरेट हो गए हैं, तो अब एक तो ये प्रोसेस करना है कि जिसके भी TRN नंबर नहीं है और यहाँ ब्लू कलर मतलब ग्रीन कलर में नहीं आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, उनको आपको TRN नंबर जनरेट करना है। यहाँ जिसके भी आगे अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल लिखा हुआ आ रहा है उनको करना है। दूसरा मान लो जैसे ये स्टूडेंट है तो इसके तीनों जो जन आधार मेंबर आईडी है, जन आधार और आधार, तीनों ग्रीन ये ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑथेंटिकेट है। अब इसके कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे आधार ऑथेंटिकेट नहीं है तो एक बार आपको प्रयास करना है आधार ऑथेंटिकेट करने का, क्योंकि इसमें जन आधार ऑथेंटिकेट बता रहा है। तो आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे इसमें आए कि जन आधार आधार ऑथेंटिकेशन फेल उपलब्ध, आधार कार्ड में दिए गए नेम, जनरल जन्मतिथि विवरण को देखें तो ये नहीं हो रहा है। तो आपको एक एक का ये प्रयास करना है, जैसे इसका भी जन आधार है वो ऑथेंटिकेट नहीं है, इसका भी कोशिश करना है। कई बार जिसके भी जिसने भी आधार अपडेट करवाया होगा उसका ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और नहीं होता तो उसको स्टूडेंट को कहना है कि आप अपने जन आधार जो भी आधार अपडेट सेंटर है वहाँ जा करके इसको ऑथेंटिकेट करवाएं। तो इस तरीके से आपको TRN नंबर जारी किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि जो जिसके यहाँ आ रहा है आगे लिखा हुआ कि अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल और TRN नंबर जारी नहीं हुए हैं उनको आपको TRN नंबर जारी करना है, और जिनके यहाँ फीडिंग है वो आप यहाँ से क्लिक करके इनको एक एक को अपडेट करें। जैसे इसमें इसके भी जन आधार ऑथेंटिकेट है लेकिन आधार ऑथेंटिकेट नहीं है, तो आप जैसे ऑथेंटिकेट आधार पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ये आ गया कि आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, यानी इस स्टूडेंट का आधार है ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो गया है। तो अब जैसे इसका देखेंगे तो ये यहाँ जो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ तीनों ग्रीन कलर में हो गए, जबकि अभी एक आधार ऑथेंटिकेट नहीं था, या इसका जो ये मैं बता रहा था कि इसका ये तीनों है वो ग्रीन कलर में आ गए, इसका मतलब इसका अभी आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको कोशिश करते रहना, जिसका भी आधार ऑथेंटिकेट नहीं है, जैसे ये दो में जन आधार ऑथेंटिकेट लेकिन आधार नहीं है, तो इस आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ ऑथेंटिकेट आधार पे आपको क्लिक करना है, और अगर ऑथेंटिकेट होता है तो ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट को कहना है कि आप निकटतम जो भी आधार सेंटर है वहाँ जा करके इसको प्रोसेस को करें, आधार को अपडेट करने का प्रयास करें। अब जैसे इसमें भी ऑथेंटिकेट आधार है इस पर आपको क्लिक करना है, और ये जैसे इसका हो गया कि आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली, तो इसमें भी आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल हो गया है। तो इस तरीके से आप बार बार प्रयास करेंगे तो जिसका भी अपडेट होता जाएगा ये ऑथेंटिकेट होता रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि शाला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ लॉगिन में आपको किस तरीके से जो भी स्टूडेंट है उनके जन आधार को ऑथेंटिकेट करना है, आधार को ऑथेंटिकेट करना है, और किस तरीके से आपको TRN नंबर जारी करना है, ये लेटेस्ट प्रोसेस था। और किसी स्टूडेंट के जैसे इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें जन आधार नंबर फीड नहीं है, तो वो आपको शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में जाकर के अपडेट करना है। अभी जैसे आज चेक किया था तो उसमें अभी आज अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कोई साइड प्रॉब्लम हो या इसमें कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रोसेस यही है। फिलहाल जन आधार से जो जो भी एंट्री करनी है, आधार या जन आधार की एंट्री, वो प्रपत्र 9 से की जानी है, और उसमें ऑथेंटिकेट का भी ऑप्शन आ रहा है तो वो भी आप एक बार देख लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जन आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इससे संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।